इस कपकपाती सर्दी में जहां हम अपने घरों में रजाई कंबल ओढ़कर सोते रहते हैं, वहीं हमारे देश में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास गर्म कपड़े ओढ़ने के लिए तो छोड़िए पहनने के लिए भी नहीं है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन गरीबों का मसीहा बनकर सामने आई है। आज दिल्ली के द्वारका सेक्टर 15 विकास विहार जय जय कॉलोनी में सप्तशती संस्था की डायरेक्टर पारुल गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी प्रतिभा पांडे, चेयरमैन संध्या सिंह व संस्था के सभी कार्यकर्ताओं ने गर्म कपड़े, फल, बिस्किट, बच्चों को फ्रूट इत्यादि खाने पीने की चीजें वितरण की। वैसे तो सप्तशती संस्था का लक्ष्य ही सर्वे भवन्तु सुखिना का है। सप्तशती फाउंडेशन हमेशा ही गरीब परिवारों की मदद करती रहती है। लॉकडाउन में भी सप्तशती फाउंडेशन ने गरीबों में राशन, मास्क, सैनिटाइज आदि चीजों का वितरण किया है। संस्था की डायरेक्टर पारुल गुप्ता का कहना है कि यह गरीब बस्ती में वह हमेशा आती रहती है और समय समय पर वहाँ के लोगों को जरूरत का सामान उपलब्ध कराती रहती है। मैं सहज संभव की फाउंडर मेंबर हूँ और ये जो श्रम है मैंने मतलब 15 सालों से मैं काम कर रही हूँ इसमें, और बच्चों के लिए, औरतों के लिए, वोकेशनल इनकी प्रॉब्लम्स के लिए, तो मेरे को तो यही, इन लोगों के साथ में बहुत फैमिलियर हूँ, तो हम मैं इनके संध्या सिंह जी के साथ एक इवेंट में इनके साथ सहयोग देने के लिए आई हूँ। करीब माँ बाप से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भी वह जागरूक करती रहती है। वहीं संस्था की चेयरमैन संध्या सिंह का कहना है कि मैं लॉकडाउन के पहले से यहाँ आ रही हूँ। जहाँ दिल्ली सरकार बेहतर शिक्षा और आवास की बात करती है, वहीं यहाँ पर न तो बच्चों को कोई शिक्षा मिल रही है और न ही कोई सरकारी मदद। गरीब बच्चों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, मोबाइल कहाँ से लाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम पारुल गुप्ता है और आज हम यहाँ पे कुछ कपड़ों का वितरण करने आए हैं अपनी संस्था दुर्गा सप्तशती के माध्यम से। और कपड़ा वितरण करना तो यहाँ पे एक छोटा सा बहाना था। यहाँ पे बच्चों से बात करके हमें लगा कि यहाँ पे बहुत कुछ और किया जा सकता है और हमारी संस्था दुर्गा सप्तशती इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और बहुत कुछ करेगी। ये तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। सरकारों के बड़े बड़े वादे गरीब बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप देंगे, लेकिन धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते है कि सरकार अपना झूठ का पुलंदा हटाकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे, क्योंकि सरकारों की घोषणा सिर्फ अखबार और टीवी तक सीमित रहती है। हड़ताल पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से न तो राशन मिल रहा है और न कोई सरकारी मदद। दिल्ली से NBC न्यूज के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।